अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राबियाज बेस्ट रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल से गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी और यमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, कहीं से भी स्किप नहीं करें, वरना आपकी गुलाब जामुन बिगड़ सकती है और जो सीक्रेट है आपको पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 नान लिया है, इसको बहुत सी जगहों पर हम तंदूरी रोटी भी बोलते हैं, जो हम शादियों में अक्सर ये ग्रेवी के साथ खाते हैं। ये वही नान है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी जार में ऐड करेंगे। आप यकीन माने गाइस, इतनी ज़बरदस्त गुलाब जामुन आपकी बनकर रेडी होगी, आप भी कहेंगे वाह। और बिना मावा, बिना देसी घी के हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक तरीके से गुलाब जामुन। तो यहाँ पर अब हम इसको बहुत एकदम इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी करेंगे, यानी कि इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। इसका जब बहुत ही अच्छे से चूड़ा तैयार होगा, फिर हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसके चूड़े को तैयार कर लिया है और अब हम इसका आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी गुलाब जामुन की रेसिपीज़ देखी होगी यूट्यूब पर, लेकिन पहली बार यूट्यूब पर आप नान की गुलाब जामुन देख रहे हैं। इसके बाद वीडियो आपको बनकर ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन ये पहले मेरी वीडियो आई है। मैंने बहुत ही मेहनत से इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो सोचा कि ये आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी, जब मेरी बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर रेडी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गुलाब जामुन बनी, तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमने इसका आटा लगा लिया, आप देख सकते हैं हमने सिर्फ आधे गिलास दूध में इसका आटा लगाया है, कुछ ना मावा ना देसी घी कुछ भी नहीं ऐड किया है। हाँ, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कर दिया था। और फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़े कटोरे से इसमें पानी ऐड करेंगे और जितना हम पानी ऐड करेंगे उतना हम चीनी भी ऐड करेंगे। हमें चीनी और पानी की क्वांटिटी दोनों को बराबर रखनी होगी, तब जाकर हमारा परफेक्ट शीरा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने चीनी और पानी की क्वांटिटी दोनों सेम रखी है। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद इलायची, यानी हरे इलायची का पाउडर। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और 1 पिंच हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, अगर आपके पास येलो फूड कलर हो तो आप ऐड कर दें, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर को ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि इसका शीरा जिसे हम गुलाब जामुन में अक्सर खाते हैं उस तरीके का जब हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे, कोई भी रिफाइंड ऑयल, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। उसको हम मीडियम टू लो आंच पर गर्म करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को एकदम लो पर रखेंगे और हम छोटे छोटे जो हमने बॉल्स बनाए हैं उसको हम फ्राई करके बाहर निकालेंगे। हमें इसको तब तक फ्राई करना है, इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नान अंदर से पकी हुई होती है खुद भी। तो हम इसको बस हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे इसको हम। आप यकीन माने गाइस, इसका शीरा भी इतना टेस्टी बनेगा कि गुलाब जामुन की तो बात ही अलग है, शीरा भी लोग नहीं छोड़ेंगे इसका, इतना ज़बरदस्त, इतना सौंधा सौंधा इसका शीरा बनेगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी थी ये गुलाब जामुन और बहुत ही
आसानी से बनी। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया इसको, बस इसको लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई किया। अब उसको हम बाहर निकाल देंगे और जितने भी बचे हैं इस तरीके से हम सभी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। और याद रहे फ्लेम मीडियम टू लो पर हो, और फिर हम फ्लेम को लो ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच में इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं होंगे और बाहर से ये ज़्यादा से ज़्यादा जल जाएंगे। तो यहाँ पर शीरा हमारा पक रहा है बहुत ही अच्छे से, परफेक्ट तरीके से शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम उसमें गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमने फ्राई करके बाहर निकाला है उसको हम ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हम सभी गुलाब जामुन को इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए बंद करके पकाएंगे फुल फ्लेम पर। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको सर्व करके आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टेनर रख सकते हैं जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।